गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो बात की थी दैट वाज के जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क क्या करेगा? रोटेट करेगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप चलते हैं कि हमारे पास सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने डाइपोल को प्लेस किया मेकिंग सम एंगल थीटा ग्रेटर देन जीरो, ओके, फाइन, प्लेस कर दिया तो टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, जैसा कि ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। और वो टॉर्क क्या करेगा? इसको रोटेट करेगा। क्या करेगा? रोटेट करेगा। अगर हम इसकी बात करें, इसका जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज दिस वे, तो डाइपोल मोमेंट इसका इधर है। मान लिया ये डाइपोल इस पोजीशन नंबर वन से, ठीक है, रोटेट होके ड्यू टू टॉर्क पोजीशन नंबर टू पे आ गया, ठीक, पोजीशन नंबर टू पे आ गया। अगर विद रिस्पेक्ट टू फील्ड हम बात करें, विद रिस्पेक्ट टू फील्ड अगर ध्यान से एनालाइज करो, जो एंगल है इसका वो विद रिस्पेक्ट टू फील्ड, ठीक, इस सिचुएशन में फर्स्ट नंबर वन पोजीशन पे ये जो एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू फील्ड, ओके, दैट इज थीटा वन, ओके, और जब ये सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया तो दिस एंगल इज थीटा टू। मतलब सिंपल वे में यू कैन से कि द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम थीटा वन एंगुलर रोटेशनल पोजीशन टू अनदर एंगुलर रोटेशनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इन बाय द टॉर्क, ठीक है। थीटा वन ओरिएंटेशन से हमने इसको थीटा टू ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड तक हमने इसको रोटेट कर दिया। तो अब हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? वर्क डन फाइंड कर लेंगे। नाउ इस पोजीशन का एंगुलर ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? थीटा वन कहा था, और इस पोजीशन का एंगुलर ओरिएंटेशन इज थीटा टू, ठीक। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे वर्क डन, ओके, बाय द टॉर्क, ओके, इन रोटेटिंग द बॉडी फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, ओके। चलो कैसे होगा वो देखते हैं। नाउ ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, नाउ दिस इज फर्स्ट पोजिशन ऑफ द डाइपोल, ठीक है, दिस इज सेकेंड पोजिशन ऑफ द डाइपोल। अगर आप ध्यान से सिचुएशन को एनालाइज करो, डाइपोल रोटेट कर रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्टिंग दिस वे, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड उसका एंगल जो है दैट इज चेंजिंग। मतलब डाइपोल इज रोटेटिंग, पहले ये वाला एंगल है, थोड़ा चेंज किया, फिर एंगल बदल गया, बदल गया, बदल गया, बदल गया, ऐसे ऐसे चेंज करता जाएगा। नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, अभी हमने डिराइव किया टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल जब वो कहीं थीटा एंगुलर ओरिएंटेशन पे है, ये हमने थीटा एंगुलर ओरिएंटेशन मार्क कर दिया जनरल, ये वाला एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क एक्टिंग इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा, ओके। जो ध्यान देने वाली बात है कि यहां से यहां तक जब अपना डाइपोल रोटेट कर रहा है उसका एंगल कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, एंगल कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है मतलब थीटा चेंज कर रहा है, साइन थीटा चेंज करेगा टॉर्क, यहां से जो हमें पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि वेरिएबल टॉर्क इज एक्टिंग, वेरिएबल टॉर्क इज रोटेटिंग, रोटेटिंग द डाइपोल। मीन वर्क इज डन बाय वेरिएबल डाइपोल इन रोटेटिंग द, वर्क इज डन बाय वेरिएबल टॉर्क इन रोटेटिंग द डाइपोल।
वर्क इज डन बाय, वर्क इज डन बाय वेरिएबल, वेरिएबल टॉर्क टू रोटेट डाइपोल, रोटेट डाइपोल। अब वर्क डन फाइंड करना है, कैसे करेंगे? ठीक है, वर्क डन ड्यू टू अ वेरिएबल टॉर्क, डिवाइडिंग द होल एंगल, ये वन वाला पोजीशन से लेके टू वाला पोजीशन तक, मतलब थीटा वन ओरिएंटेशन से थीटा टू ओरिएंटेशन तक जितना भी एंगल अवेलेबल है उसको इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक, डिवाइडिंग द होल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स, डिवाइडिंग होल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स, इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स, ईच विद एंगल डी थीटा, ईच डी थीटा। ठीक है, और ये डी थीटा कितना स्मॉल है? दिस डी थीटा इज दैट मच स्मॉल, डी थीटा इज दैट स्मॉल। ओके, that for this displacement, for d theta displacement, torque acting on dipole is constant. ठीक है, okay, now तो d theta constant हो गया, तो हमने यहां पे जो ये theta orientation assume किया हुआ है, ठीक है, इस थीटा से डी थीटा आगे लेके जाने के लिए वर्क डन कितना होगा? ओके, तो वर्क डन, वर्क डन इन रोटेटिंग द बॉडी, द बॉडी बाय डी थीटा फ्रॉम थीटा ओरिएंटेशन, थीटा ओरिएंटेशन। ओके, नाउ डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन, टॉर्क एक्टिंग एट थीटा ओरिएंटेशन, उसके बाद डी थीटा तक वो कांस्टेंट रहने वाला है, तो मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा, एंगुलर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क, कितना थीटा पे एक्ट कर रहा है, पी ई साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, अब हमें थीटा वन टू थीटा टू ओरिएंटेशन रोटेशन, ठीक है, हमें वर्क डन फाइंड करना है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे थीटा वन टू थीटा टू, फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेटिंग, फॉर टोटल वर्क डन, फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स बिटवीन रिक्वायर्ड लिमिट्स, बिटवीन रिस्पेक्टिव लिमिट्स, रिस्पेक्टिव लिमिट्स। ओके, इंटेग्रेशन डी डब्ल्यू का हो गया, और इधर था पी ई साइन ऑफ थीटा डी थीटा इंटेग्रेशन डी थीटा, तो इसके लिमिट्स क्या रहेंगे, थीटा वन टू थीटा टू, तो डी डब्ल्यू का बन गया डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा का बनेगा माइनस कॉस थीटा, थीटा वन टू थीटा टू। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू पी ई नेगेटिव साइन कॉस थीटा इज थीटा टू माइनस cos theta 1. Okay, work done is this, as much work done as per work energy theorem, as much work done the potential energy will change by the same factor, so change in potential energy is equal to kitna banega, change in potential energy is minus p e cos of
थीटा टू माइनस कॉस ऑफ थीटा वन। इस तरह से आप लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हो। इसका स्पेसिफिक केस ले लेते हैं कि सपोज हमने इस डाइपोल को रोटेट किया, ओके, परपेंड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था अपना, ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट पोजीशन है, थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से हमने इसको इस तरह से रोटेट किया किसी थीटा ओरिएंटेशन तक, सेकंड, दिस इज फर्स्ट ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज सेकंड ओरिएंटेशन, यहां से इसको यहां लेकर आए, ये इस ओरिएंटेशन, इस पर्टिकुलर का जो एंगुलर कोऑर्डिनेट होगा थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां तक थीटा टू इज इक्वल टू थीटा तक हमने उसको रोटेट कर दिया। ठीक है बेटा, तो क्या होगा इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर दैट सिचुएशन विल बी माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90, एंड दैट विल बी क्या बनेगा, दैट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। इस तरह से आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हो। और माइक्रोवेव ओवन के केस में जैसा आपको बताया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपीयर एज हीट, और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हीट प्रोड्यूस करती है, द हीट इज एबल टू बेक द सब्सटेंसेस और वट एवर थिंग यू आर बेकिंग इन दैट माइक्रोवेव ओवन। नाउ इससे पहले हमने टॉर्क की बात की थी, ओके, और टॉर्क की बात करते हुए आई टोल्ड यू अबाउट कि व्हेन दिस डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन इक्विलिब्रियम, तो अब हमने ये बताया था ये दो ओरिएंटेशन हमारी, केस वन ये भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम था क्योंकि टॉर्क एक्टिंग जीरो थी जब तुम्हारा डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये केस टू इस की सिचुएशन में भी अपना डाइपोल जो था क्योंकि एंटी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इस केस में भी वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में था। अब इक्विलिब्रियम जैसा कि आपको पता है स्टेबल अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम्स बेसिकली। तो कब ये डाइपोल जो होगा प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और कब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी डिफाइन करता है पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी का सिचुएशन चेक करते हैं, ओके, तो अगर मैं बात करूं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस, ओके, वन इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब इफ दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, पी डाइपोल मोमेंट इज अलोंग दिस, ठीक है। सेकंड सिचुएशन इज दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इज ऑपोजिट टू दिस, पी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अभी ये भी मेरा इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन, और दिस इज ऑल्सो द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, नो टॉर्क एक्टिंग, इसमें भी टॉर्क एक्टिंग जीरो है और इसमें भी टॉर्क एक्टिंग जीरो है। अब पोटेंशियल एनर्जी चेंज चेक करके आई विल बी एबल टू डिसाइड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। चलो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, ठीक है। मान लिया इस सिचुएशन पर हम लेकर आए 90 डिग्री के रोटेशन, 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन ये यूज कर रहा हूँ, पी ई कॉस थीटा माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू पी ई कॉस 0 डिग्री, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कॉस 0 इज 1 माइनस पी ई, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब 90 डिग्री से यहां तक लाने में। अब 90 डिग्री से 180 तक लेके जाने के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस थीटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस ऑफ 180,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस कॉस 180 माइनस 1, तो ये आ गया प्लस पी ई। नाउ किस सिचुएशन में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? पॉजिटिव पोटेंशियल पी ई, यहां पे नेगेटिव पी ई, ये दोनों का प्रोडक्ट है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ओके, तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग बाय बिगर फैक्टर। ओके, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग बाय बिगर फैक्टर मतलब अनस्टेबिलिटी मोर। ठीक है, तो यहां पे जो इक्विलिब्रियम रहेगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, स्टेबल इक्विली पोटेंशियल एनर्जी मोर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लेस, तो जब पोटेंशियल एनर्जी कम होता है तो क्या होता है, बॉडी इज इन स्टेबिलिटी, मतलब अनस्टेबिलिटी बहुत कम, तो मतलब बॉडी इज स्टेबल। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली स्टेबल होगा, दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी कंपैरेटिवली स्टेबल। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल को जब इस तरह से इस ओरिएंटेशन पे एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस किया जाएगा द डाइपोल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। होप ये तुम्हें क्लियर है। ठीक, तो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट अपना खत्म होता है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, दैट इज पोटेंशियल एंड फ्लक्स। तो टिल देन इसको अच्छे से रिवाइज करो, ओके, और 1-to-1 जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ बेटा रीड करो और लिखो और प्रॉपर नोट मेकिंग करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।